नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार। मेरे YouTube चैनल बुंदेल किचन गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं टमाटर, आपको बहुत सारे टमाटर लगे हुए दिख रहे होंगे। नीचे से ऊपर आप देख सकते हैं, हर जगह आपको टमाटर मिलेंगे और इस फूल भी रहा है। तो ये ऐसा कैसे होता है दोस्तों? एक टमाटर में कम से कम 4 से 5 किलो के टमाटर और ज़्यादा भी निकलते हैं, ये कैसे होता है? और वो भी देखिए छोटे से बैग में। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटा सा बैग है ये, मान के चलो कि ये 1 फुट ऊंचा तो 10 इंच ऊंचा है और 8 इंच चौड़ा है दोस्तों। ये 1x1 का नहीं है और इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे फूल इसमें लगे हुए हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं कितने टमाटर और कितने इसमें, मतलब ये आते जा रहे हैं, छोटे छोटे टमाटर हैं जो आते जा रहे हैं और लग चुके हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप अपने घर पर भी इस तरीके के टमाटर उगा सकते हैं घर पर ही, और इतने सारे फूल, और ये फूल गिरने से कैसे बचाना है, बस हमारी वीडियो पर लास्ट तक बने रहें दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा। तो टमाटर में आपको सबसे पहले देखो गर्मी लग चुकी है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि इसमें वाटर मैनेजमेंट का ध्यान देना है। वाटर मैनेजमेंट का ध्यान ऐसा देना है दोस्तों कि इसमें मिट्टी है जो आपको, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब आप विशेषकर आपका टमाटर का फूल जब फूल रहा होता है, टमाटर का पौधा फूल रहा होता है, उस समय आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी दोगे तो उसके फूल हैं जो गिर जाएंगे, उसको लगेगा कि हमें अभी बढ़ना है, हमें अभी फल नहीं बनाना है, तो वो अपने फूल गिराते चला जाएगा। इसलिए जब आपकी मिट्टी ड्राई हो जाए आपकी मिट्टी, तो तभी आपको उसमें पानी देना है। अगर ड्राई नहीं है तो आपको उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो आपके फूल टिक नहीं पाएंगे। एक बात, दूसरी बात यह है दोस्तों, इसमें पर्याप्त मात्रा में आप खाद देते रहें। खाद में क्या है दोस्तों, जैसे कि आपके पास में अगर NPK है, मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इफको का है, NPK 1919 है। इसका आपको 1 लीटर में 1 चम्मच मिला के आपको हर 10 से 15 दिन में आपको इसका स्प्रे करना है, फिर देखना आपको रिजल्ट। आपको कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, बस ये डालो फिर देखो आप, इसको सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको, देखो मैं ये नहीं कहता कि यही यही डालना, क्योंकि पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व की ज़रूरत भी है। तो उसके लिए आपको देखो, मिट्टी में आपने तो वो मिला ही दिया है, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट था आपने वो मिलाया, गोबर की खाद, तो वो तो मिट्टी में मिला ही दिया है। लेकिन जो प्रमुख तत्व होते हैं ज़्यादा मात्रा में जो चाहिए होते हैं एक पौधे के लिए अपने फल बनाने के लिए, वो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, ये तीनों तत्व। नाइट्रोजन का काम जो होता है दोस्तों, उसको पत्तों को हरा रखना, मतलब खाना, हरे पत्ते रहेंगे तभी तो वो खाना बना पाएंगे। और पीप फास्फोरस है, ये अपनी जड़ों को मजबूत रखता है, तनों को तंदुरुस्त रखता है, तनों को मोटा रखता है, तो अपने पौधे को संभाले रखता है। और के का मतलब सल्फर, ये सॉरी सल्फर नहीं, पोटास, पोटास का काम होता है फलों को टिकाऊ रखना, फलों को टिकते देना। तो इन तीनों का काम, एक मतलब फल बनाना, पौधे को मजबूत देना और पत्तों को हरा भरा रखना, ये काम होता है। ये तीनों काम अगर अच्छी रहे करते रहेगा पौधा, तो उसका विकास होगा, फूल देगा, फल देगा, सब कुछ होगा। इसलिए आपको मिट्टी तो आपने बना ली है दोस्तों, उसके बाद में आपको NPK का है 10 से 15 दिन में 1 चम्मच 1 लीटर में ध्यान रखना है, ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है वो नुकसानदायक होती है, और कम हो डालोगे तो भी उसका ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मात्रा का ध्यान देना है, ये आपको डालना है, तो फिर देखना आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। आप इसका प्रयोग हर पत्तेदार सब्जी, हर फूलदार सब्जी और हर सब्जी फ्रूट वाली जो भी है, आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट, ये हर किसान करता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी और हमें कमेंट में बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं YouTube पर नया हूं और मैं अपने छत पर है जो हर एक सब्जी लगाया हुआ हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ टाइम बचता है तो मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करूँ अपने जो अनुभव होते हैं सब्जी उगाने का,
किस चीज़ में क्या फ़ायदा मिलता है, बस वही बताता हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो। धन्यवाद।